नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। अब आप आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी भी यूपीआई क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी ऐप में ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ये ऑप्शन आपके आने लग जाएगा। यदि आप कहीं पर स्कैन और पे का यूज करना चाहते हैं तो आपको ऐप में लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बाहर ही स्कैन एंड पे पर क्लिक करके किसी भी भीम यूपीआई क्यूआर को स्कैन करके अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऐप के अंदर लॉगिन करने के बाद कैसे पेमेंट करते हैं वो बताऊंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अकाउंट नंबर के आगे ही आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे तो पहली बार आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा, यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा। जब आप अलाउ करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, फोनपे का हो, पेटीएम का हो, आप उसको स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद में इस प्रकार से उसका यूपीआई एड्रेस आपके सामने आ जाएगा और उसका नाम भी आ जाएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है और रिमार्क के अंदर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और उसके बाद वापस आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको अमाउंट को चेक करना है वापस, और चेक करने के बाद में आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आपको कोई यूपीआई पिन यहाँ पर नहीं डालना है, बल्कि आपको यहाँ पर अपनी ऐप का जो एम पिन है जिससे आपने लॉगिन किया था वही एम पिन यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म करना है। यहाँ पर किसी प्रकार का ओटीपी नहीं आएगा और सीधा आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप यदि इनकी डिटेल वापस सेव करना चाहते हैं तो सेव बेनिफिशियरी पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आगे के लिए ये बेनिफिशियरी आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको अपना यूपीआई एड्रेस चेक करना है तो आपको ऐप के पहले पेज पर जाना है। वहाँ पर आपको भीम यूपीआई ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के आपके पास में ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है मैनेज यूपीआई आईडी। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यूपीआई आईडी शो हो जाएगी। यदि आप अपनी यूपीआई आईडी को कस्टमाइज करना चाहते हैं मेरी तरह postaldost@postbank, इस प्रकार की यदि आईडी आप बनाना चाहते हैं तो नीचे क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से यूपीआई आईडी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई आईडी से किस प्रकार से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।